सागर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रभु सिंह ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश के मुखिया कमलनाथ ने कुरबाई के क्लब ग्राउंड में एक विशाल सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में नंबर वन प्रदेश पूर्व की सरकार ने हमें सौंपा है। उन्होंने कहा कि हमें सरकार बनाए 75 दिन ही हुए थे कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई थी और हमने साफ नीयत से अपने वादे निभाए। 21 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। हमारी सरकार 15 साल बाद बनी है और पूर्व की सरकार ने किसानों की आत्महत्या में नंबर वन और बेरोजगारी में नंबर वन प्रदेश हमें सौंपा है। 15 सालों में जितने उद्योग लगे नहीं उससे ज़्यादा बंद किए गए हैं। अपने वादे हमने पूरे किए हैं और जो रह गए हैं वह जल्द ही पूरे किए जाएंगे। और कांग्रेस प्रत्याशी प्रभु सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कांग्रेस की हमारी सरकार है, किसान और गरीब भाइयों को नौजवानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबकी कृपा से और राहुल गांधी और कमलनाथ के आशीर्वाद से मुझे लोकसभा में पहुँचाने का मन आप सभी लोगों ने बनाया है। और जो भ्रष्टाचार में नंबर वन ऐसा प्रदेश हमने सौंपा, लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो गई, 75 दिन थे हमारे पास और इन 75 दिनों में हमने अपनी नियत और नीति का परिचय दिया। सबसे बड़ी चुनौती हमारे कृषि क्षेत्र की है। 70% लोग मध्य प्रदेश में, उनका जीवन जुड़ा हुआ है कृषि क्षेत्र की, जिसकी किराने की दुकान है, हमारा कुरवाई का बाजार चलता है जब किसानों के पास खरीदने की ताकत हो, क्रय शक्ति हो, तब ये कुरवाई का बाजार चलता है, किराने की दुकान चलती है गांव में, मजदूरों को मजदूरी मिलती है, कोई मरम्मत करता है पंप का, ट्रैक्टर का, उसका जीवन आधारित है कृषि क्षेत्र पर। और किसान जिसका जन्म कर्ज में होता है, मृत्यु कर्ज में होती है। हमने वचन दिया था कि हम किसानों को राहत पहुंचाएंगे।